So, are these smartphone lenses any good, guys? I have three of them. Two are from the same brand and one is different. So, we're gonna find out in this particular video. So, welcome back to the channel, guys. My name is Amal Luthra and you're watching Amal Luthra YouTube channel and this is my secondary content. Primary content ke liye, do check out videos and playlist section. So, what are we waiting for? Let's get started, guys. So, सबसे पहले गाइस मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल्स ऑफ दिस ब्लिट्ज़वुल्फ एचडी प्रोफेशनल एचडी वाइड एंगल लेंस. इसका एक्चुअली जब मैंने इसे नया नया लिया था तो मैंने इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से अनबॉक्सिंग भी की थी एंड दैट वीडियो गॉट प्रीटी डीसेंट रिस्पांस. सो लिंक्स रहने वाले डिस्क्रिप्शन में, गाइस चेक आउट कर लेना. सो गाइस अभी मैं कैमरा को करने वाला हूं उस साइड पे एंड पहले आपको मैं बिफोर शॉट दिखाऊंगा वीडियो में, फोटो में एंड फिर ये यूज करने वाले हैं लेंस अपना जो वाइड एंगल लेंस है. देखते हैं कि ये मेन लेंस के साथ ही मैं यूज करूंगा, नॉट विद द वाइड एंगल लेंस जो कि मेरे ASUS XZ में है. सो उसमें मैं दिखा दूंगा कि कैसा हो जाता है. काफी वाइड एंगल पे आप वाइड एंगल यूज नहीं कर सकते बट मेन पे आप वाइड एंगल यूज कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. ऑलराइट गाइस, जो ये भी आप शॉट देख रहे हो ये है मेरे फोन से डायरेक्टली फ्रॉम द मेन कैमरा एट फुल एचडी 30 फ्रेम्स पर सेकंड. कोई एडिशनल इसमें ऐड नहीं है. अभी आप देख रहे हो कितना ये वाइड है. तो इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं अभी लेंस ऐड करता हूं, ट्राई करता हूं ऐसे ही लगाने का. ऐसे लगाना इज नॉट दैट ईजी बिना देखे, बट यू गाइज कैन हैव द आइडिया राइट. सो ये भी 100% एक्यूरेटली इंस्टॉल नहीं है बट स्टिल यू गाइज कैन सी द क्वालिटी एंड हाउ मच वाइड इट हैज बिकम राइट. कैसा लग रहा है, एकदम वाइड वाइड सा हो गया. सो यू गाइज कैन सी सम सॉर्ट ऑफ एबरेशन राइट हियर बट बाकी सारी साइड क्लियर है एंड थोड़ा सा अगर उसमें एडजस्ट करूँ वोइला किसी भी साइड पे कोई गाइस एबरेशन नहीं है. एंड गाइस मैं अब जाके लेंस हटाता हूँ एंड उसके बाद देखने कितना क्लोज हो जाएगा. इन 3, 2, 1 देखा गाइस. तो ये गाइस एडवांटेज रहता है हमें एक हाई क्वालिटी वाइड एंगल लेंस का. एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट टेकिंग द फोकस बट ठीक है, आपको इस डिफरेंस तो पता चली गया राइट. सो ये फोटोग्राफी में भी ऐसा ही है. बाकी अभी मैं स्विच करता हूँ एक बारी अपने जो फ़ोन का वाइड एंगल लेंस है एंड उसके ऊपर इसको इंस्टॉल करता हूँ तो वो बहुत ही बेकार रहता है. सो गाइस ये है मेरे फ़ोन का वाइड एंगल लेंस एंड इट्स एक्चुअली मोर वाइडर देन दिस गाय. उसका एक रीज़न है एंड उसका एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है. अब ये जो हम लेंस यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये रात के लिए बहुत बेकार है. अभी तो लाइट बहुत ज़्यादा है तो यू गाइस कैन सी अ लॉट. दिस इज़ f/2.4 एंड अब जो मैं आपको बता रहा था इस लेंस को अगर मैं इस वाइड एंगल पर लगाऊंगा तो देखना कितना बुरा हाल होगा. चेक इट आउट गाइस, इट हैड मेड इट मोर वाइडर बट सर्कल आ गए हैं बहुत सारे बड़े बड़े बट ये देखो गाइस कुछ ज़्यादा ही वाइड हो गया है यहाँ पर. बट यहाँ पे सर्कल्स का पंगा रहेगा. कितना मस्त लग रहा है ना वाइड एंगल पे वाइड एंगल बट इट हैज मेक द सर्कल सो इतना लुक अच्छी नहीं आ रही. सो ये तो एक चीज़ रही. सो अब इसको मैं वापस से गाइस मेन लेंस पे शिफ्ट करता हूँ एंड आपको कुछ फोटो सैम्पल्स दिखाता हूँ. ये जो फोटो गाइस आप देख रहे हो ये डायरेक्टली मैंने अपने फोन से लिए, अनएडिटेड, अन कुछ भी, मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं, बस क्लिक किया ऑटो सेटिंग्स पे एंड ये गाइस विद द लेंस ऑन ऑल ऑटोमेटिक सेटिंग्स. गाइस चेक आउट द क्वालिटी, क्वालिटी में कोई डिफरेंस ही नहीं आता, ये बहुत बढ़िया बात है. सो गाइस ये तो था एक अपना एचडी प्रोफेशनल ब्लिट्ज़वुल्फ का वाइड एंगल लेंस. आई होप यू गाइस लाइक इट क्योंकि ये चीज एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है. जैसा अभी मैंने कुछ टाइम पे सोच रखा है कि मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करूं और मोटो व्लॉगिंग में क्या है कि कहीं मेरे रात को भी मोटो व्लॉग करना होता है. सो जो मैं मेन कैमरा अगर AIS के साथ में यूज करता हूं तो वो बहुत नैरो हो जाता है यार. अभी देखो दिस इज फुल आर्म्स लेंथ, काफी ज्यादा नैरो है राइट. उसके लिए मुझे थोड़ा और चाहिए. सो ये लेंस अगर मैं मेन लेंस पे यूज़ करूंगा तो मुझे काफ़ी वाइड मिल जाएगा. एक बार मैं ट्राई करता हूँ फ्रंट साइड पे, फ्रंट साइड पे भी कैसा आता है. दिस इज द वन. ओ वोइला कैसा लग रहा है गाइस फ्रंट साइड पे भी. सेम फुल आर्म्स लेंस के ऊपर ही हूँ मैं एंड इट हैड मेड द इमेज वे मोर वाइडर. सो ये मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ मोटो व्लॉगिंग के टाइम पे EIS के साथ. अदरवाइज EIS ऑफ कर दो तो ऐसे हिलती रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उसकी उसका. सो इस लेंस के यहीं पे खत्म करते हैं एंड अब चलते हैं गाइस दूसरे लेंस के पास. सो गाइस अब बारी है एक दूसरे लेंस की जो कि है ये एंड दिस इज HD प्रोफेशनल टेलीफोटो लेंस. इट्स अ 3x जूम 65mm इक्विवेलेंट. सो ये लेंस का वेट भी बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 100 ग्राम का है ये एंड इसमें ये शील्ड भी मिलती है. लेंस का साइज देखो गाइस, इट इज प्रीटी बिग राइट. सो ये 3x जूम कर सकता है. सो इसके बाद मैं आपको वीडियो सैंपल एंड फोटो सैंपल दोनों दिखाता हूँ. एक अभी स्टूडियो के अंदर ही मेरे नॉर्मल एक ट्यूब लाइट ये वाली जल रही है यहाँ पे,
दिस इज द वन, एंड इसके अलावा भी यहाँ पे और कोई भी लाइटिंग नहीं है. सो उसके बाद इसके बिल्कुल सामने मेरे जो स्पीकर्स लगे मैं उनका शॉट दिखाता हूँ. सो पहले चलते हैं वीडियो पे, फिर आपको दिखाता हूँ फोटो. एंड एक बहुत ही ज्यादा कूल चीज है इसके साथ जो कि डायरेक्टली नहीं हो सकती मतलब होनी चाहिए थी बट नहीं होती यार, पता नहीं क्या चक्कर है. बट चलो वीडियो सैंपल्स पे चलते हैं. ऑलराइट गाइस, अभी कोई भी लेंस नहीं है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे दोनों स्टूडियो स्पीकर बॉक्सेस कैसे लग रहे हैं. सो अभी मैं चलते चलते मैं जैसे मैंने अभी वाइड एंगल में लगाया था इसको भी लगा देता हूँ यहाँ पे. सो सेम ही प्रोसीजर है, हमें मेन लेंस के ऊपर लगाना है एंड इट्स अ 3x ऑप्टिकल जूम गाइस, चेक इट आउट. थोड़ा सा एडजस्ट करना जरूरी है, एडजस्ट नहीं करोगे तो पिक्चर काफी खराब आएगी. बट दिस इज अ 3x जूम एंड इवन द पेंटिंग बेसिकली इट्स अ स्टिकर, लुक्स कूल राइट. सो मैं इस लेंस को हटाऊंगा. हाउ कूल ना. अब मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ. फोटो में एक बहुत ही ऑसम चीज है, जैसे हम डिजिटली जूम करेंगे इमेज को जैसा मैं अभी वीडियो में करता हूँ. सो हमारी इमेज थोड़ी सी देखो नॉइजी हो गई राइट. फोटोज के अंदर भी ऐसा कुछ होता है. फोटोज के अंदर 8x तक का ऑप्शन है एंड वीडियोज में हमारे पास ये सेम चीज है 4x तक, बट इट लुक्स बैड ऑन 4x. अब मैं आपको 8x जूम वाली फोटो दिखाता हूँ एंड विद लेंस दिखाऊंगा, सो दैट इज 11x राइट. ये जो गाइस फोटो है ये बिल्कुल नॉर्मल ऑटोमेटिक सेटिंग्स में विदाउट एनी लेंस, बिल्कुल नॉर्मल. अब ये जो फोटो गाइस है ये है विद लेंस ऑन ऑल ऑटोमेटिक सेटिंग्स, बिल्कुल 3x जूम ऑप्टिकल. एंड ये गाइस विदाउट एनी लेंस 8x जूम, कैसे लग रहा है, मजा आ रहा है ना. एंड चेक आउट दिस वन, 8x जूम प्लस 3x ऑन द लेंस, इनफिनिटी इज विजिबल. दैट वाज प्रीटी कूल राइट. सो दिस इज द HD टेलीफोटो लेंस एंड दैट एक्चुअली वर्क्स. आपने अभी देखा ना जब मैंने 8x की नॉर्मल फोटो आपको दिखाई ये कितनी खत्म है, एंड विद दिस लेंस द इमेज इज एक्चुअली बेटर एट इवन 11x. मुझे नहीं समझ में आ रहा ये हुआ तो हुआ कैसे, बट दैट थिंग This thing actually does work. So, अब एक लेंस मेरे पास और है एंड वो बिल्कुल ही अलग सी चीज है. नॉर्मल वाइड या नॉर्मल टेलीफोटो नहीं है, इट्स अ सुपर फिश लेंस एंड वो अपने से पीछे देख सकता है. सबसे पहली बात उसकी ये है, एनवायरमेंट ही चेंज करना होना तो वो चीज वो उसके लिए है, बट दैट थिंग इज वेरी हाई क्वालिटी. सो चलो उसके पास चलते हैं अब. Alright guys, time for the third lens. So you guys, ये different brand का, ये Apexel का lens and it's actually 238 degrees wide. अब lens देख ही रहे हो ना, एकदम dome shape का ये lens है and ये अपने से पीछे देख सकता है. Yeah guys, अपने से पीछे. And जब ये तीनों guys lenses मैंने आपको दिखाया है, इनकी unboxing मैंने पहले भी की हुई है. So ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, सही बात बताऊँ तो सबसे ज़्यादा. सो अभी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ. पहले जो पीछे का व्यू है ये आपको नॉर्मली दिखाना पसंद करूँगा मैं विद द वाइड एंगल लेंस एंड उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ. Alright guys, this is the view with the wide-angle lens of the ASUS 6Z and देख रहे हो ये भी बहुत awesome है. It's very very wide and काफ़ी इसमें detail भी है, but ये daylight के अंदर ही work करता है. So इसी के ऊपर मैं guys इसको install करने की कोशिश करता हूँ, which is not an easy task and it doesn't work on the wide-angle. जैसा कि मैंने आपको wide-angle के अंदर ही बताया था, इसने तो बिल्कुल ही dome बना दिया and आप मेरा हाथ भी देख सकते हो right. So इसको मैं भी shift करता हूँ main lens के ऊपर. So guys, this is the footage of the main lens जो कि Sony IMX 586 है of the ASUS 6Z. I hope that is the correct one. And देख रहे हो details भरपूर है. And ये जो lens है अभी मैं इसके ऊपर install करता हूँ. आप देखो क्या 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 होने वाला है. Let me adjust it. इसको adjust करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये picture quality बहुत ख़राब देगा. I think so. I've got it. Yeah. कैसा लग रहा है गाइज, अब देख रहे हो मेरी उंगली तक दिख रही है इवन ऑन द मेन लेंस. एंड ये गाइज हाथ मेरा बहुत ज़्यादा पास है इस टाइम, बिल्कुल लेंस के पास है एंड इसके बावजूद ही बहुत सारी चीज़ देख रहा है. कूल इट इज ना, मतलब इट्स अ डोम शेप्ड. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक अब देखो पूरी रोड दिख रही है, इवन जिस हाथ से मैंने इसको होल्ड किया हुआ वो भी. सो अब मैं यहाँ पे लेंस हटाता हूँ एंड उसके बाद आप फुटेज देखना. अभी ये हो सकता है 100% करेक्टली इंस्टॉल ना हो क्योंकि मैंने इसे बिना देखे इंस्टॉल किया है. अब मैं इसको हटा रहा हूँ. 3, 2, 1. भाई साहब जी कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही फिर से लगा दे अपनी पुंटों से ही. मेरे पैर भी देख लिया, बताओ इसको बिना देखे लगाना. इट्स एक्चुअली अ टफ जॉब बट ठीक है, थोड़ी सी क्वालिटी कम रहती है. अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो थोड़ी सी क्वालिटी इसकी कम रहेगी. बट नाउ यू गाइस कैन सी अ लॉट मोर. बट ये कि ये कर्व कर देता है, इट्स अ फिशाई लेंस, इट्स नॉट अ नॉर्मल लेंस, बट अलग ही माहौल बना देता है. अभी मैं इसको फ्रंट पे यूज करता हूँ और उसके बाद आपको माहौल दिखाता हूँ. So we're in on the front side with the Apexel 238 degree super fish lens. And guys, अभी मैंने just आपको जब wide angle lens दिखाया था ना, उसको मैं full arms lens दिखाया था ना, main lens के साथ जो मेरे phone का है वो भी and जो wide angle lens मेरा Blitzwolf का है वो भी. So अभी मैं half arm lens में हूँ guys. This is the half arm lens. And check it out.
दिस इज द फुल आर्म लेंस गाइस, मेरे हाथ देखो कितने अजीब से लग रहे हैं। एंड अभी ये फ्रंट साइड पे टच तक इंस्टॉल नहीं हो रहा है क्योंकि जो इसका फ्लिप मूवमेंट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, मैंने उसको हाथ से होल्ड किया हुआ है क्योंकि लेंस का वेट है। एंड उसके बाद देखो गाइस कैसा लग रहा है पूरी की पूरी बालकनी गाइस नज़र आ रही है। सो गाइस मैं अभी यहाँ पे इसी पोजीशन पे लेंस को हटाता हूँ। एंड 3, 2, 1 कहाँ पे आ गया यार एक साइड से भी पूरी बालकनी दिख रही थी एंड अभी खाली मेरा फेस। सो दैट इज द डिफरेंस दिस गाइस मेक्स मैन, आई एक्चुअली लव दिस, बड़ा प्यारा लगता है मुझे। अब शायद ये मिल नहीं रहे बट मैं कोशिश करूँगा गाइस इन तीनों लेंसेज की लिंक्स जहाँ 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 से मैंने लिए थे, दो bangoo.com से लिए थे एंड ये वाला AliExpress से लिया था। सो कैसा लग रहा है सो इन एनी केस या तीनों लेंसेज मैंने कवर कर दिए। सो गाइस दैट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड कंक्लूजन तो गाइस आप लोगों को समझ ही आ गया होता है, आई एक्चुअली रिकमेंड दीज थ्री लेंसेज, मतलब दे एक्चुअली मेक हेल ऑफ अ डिफरेंस गाइस। इतना डिफरेंस तो शायद आप लोगों ने नोटिस सोचा भी नहीं होगा कि होगा, बट दीज ऑल थ्री ऑफ देम आर प्रिटी गुड। बाकी दोनों अंदर है उन्हें भी पकड़ लिया जाए इन द स्टूडियो विद ऑल थ्री लेंसेज। एंड गाइस वीडियो के टाइटल में ही क्वेश्चन है, आर दीज स्मार्टफोन लेंसेज एनी गुड? यस गाइस, यस दीज आर फैंटास्टिक, वेरी ऑसम, ऑल थ्री ऑफ देम वर्क्स एंड तीनों के अपने अपने पर्पसेस हैं एंड दे आर जस्ट रॉकिंग। दूर देखना है तो हमारे पास सबसे बड़ा अपना ब्लिट्ज़वर्फ का लेंस है जो कि है 3x टेलीफोटो लेंस, सिंपल वाइड एंगल चाहिए जिसमें कोई खास डिस्टॉर्शन नहीं है, हल्की फुल्की जरूर है लेकिन इतनी चलती है। मैंने इसे बहुत वीडियोज में यूज किया अपने Nubia Z11 के साथ पास्ट में एंड शायद आप लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा कि मैं कोई लेंस यूज कर रहा हूँ। एंड ये मेरा फेवरेट 238 degrees सुपर फिश आई फ्रॉम अपेक्सल एंड अपने से पीछे देख लेते हैं, मतलब एनवायरमेंट अलग सा क्रिएट करना हो तो ये लेंस गाइस उसके लिए है। बाकी नॉर्मल फुटेज में ये आपने यूज करो तो मजा नहीं आएगा, ज्यादा ही फिश आया थोड़ा। सो गाइस दैट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक दिस इंस्टॉलमेंट अबाउट द स्मार्टफोन लेंसेज। एंड अब गाइस मिलेंगे किसी और awesome से वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। एंड गाइस दिस इज माय सेकेंडरी कंटेंट, एज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, प्लीज चेक आउट कर लेना चैनल को, कार्स एंड कार और ऑडियो एंड बाइक्स एंड ट्रैवल व्लॉग्स, बहुत सारी चीजें हैं, सो बिल्ड्स भी हैं, देखना जरूर। बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, टेक केयर।